इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स, ठीक है। तो चैप्टर का सेकंड पेज से शुरू कर रही हूँ, व्हाई इलेक्शंस, कि इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स चैप्टर है, सारा चैप्टर इलेक्शंस पे बेस्ड है। सारे चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें आनी है, भी इलेक्शंस क्या होते हैं, कैसे करवाए जाते हैं, पोलिंग कैसे होती है, नॉमिनेशन ऑफ फॉर्म पेपर्स कैसे होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इलेक्शंस इस चैप्टर में आनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि वाई इलेक्शन, इलेक्शंस करवाने ही क्यों है, इलेक्शंस का फ़ायदा ही क्या है। तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए एक स्टोरी है, देखो ध्यान से सुनो स्टोरी, कि इधर न्यूज़पेपर रिपोर्ट है ऊपर वाली, ये वाली एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट है, ठीक है। पढ़ पढ़े, चलो न्यूज़पेपर रिपोर्ट भी पढ़ी लेते हैं। द टाइम इज़ आफ्टर मिडनाइट, आधी रात का टाइम है, एक क्राउड है जो बैठी हुई है पिछले 5 घंटों से चौक में, किसकी वेट कर रही है, वो अपने लीडर के आने की वेट कर रही है, ठीक है। जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो उनको कह रहे हैं क्राउड को कि वो बैठे हैं क्योंकि वो लीडर आने ही वाला है। क्राउड खड़ी होगी जब वहाँ से व्हीकल्स गुजरे, शायद वो आ चुके थे। आया कौन था, देवीलाल आए थे। हैं कौन वो, चीफ ऑफ द हरियाणा संघर्ष समिति, हरियाणा संघर्ष समिति के चीफ हैं। उन्होंने उस मीटिंग को एड्रेस किया करनाल में थर्सडे को। 76 ईयर्स के वो लीडर हैं, वो सारा दिन बिजी रहते हैं, उनका दिन 8 बजे शुरू होता है, 11 बजे ख़त्म होता है। वो इससे पहले 9 इलेक्शन मीटिंग्स में सुबह से बोल चुके हैं, अपना भाषण दे चुके हैं, ठीक है। वो कॉन्स्टेंटली लगातार पब्लिक मीटिंग्स कर रहे हैं, और फॉर द पास्ट 23 मंथ्स, पिछले 23 सालों से, 23 महीनों से इलेक्शंस के लिए खुद को प्रिपेयर कर रही हैं। कहने का मतलब ये है कि जो लीडर्स होते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा कैंपेनिंग करनी होती है, कई महीने पहले इलेक्शन शुरू होने से पहले वो कैंपेनिंग शुरू कर देते हैं और अपने एजेंडे लोगों को बताते हैं टाइम टाइम पे। जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट है वो किसके बारे में है, ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट असेंबली इलेक्शंस के बारे में है जो हरियाणा में होने थे, हुए थे 1987 में। जैसे कि पंजाब में है असेंबली इलेक्शन, 20 फेब को वोट्स है, हमारे पंजाब में भी असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं, है ना। तो वो जो स्टेट है वहाँ पे कांग्रेस पार्टी की सरकार ऑलरेडी काम कर रही थी उस टाइम। 1982 में कांग्रेस की गवर्नमेंट वहाँ बनी थी हरियाणा में, 1987 आ गया था, 5 साल हो गए थे, इलेक्शन दोबारा होने थे। चौधरी देवीलाल जो है वो एक देन एन ऑपोजिशन के लीडर थी उस टाइम, चौधरी देवीलाल, जो इनकी बात नहीं हो रही, जो लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, ये ऑपोजिशन पार्टी में हैं। इन्होंने एक मूवमेंट शुरू किया है जिसका नाम है न्याय युद्ध। न्याय युद्ध, न्याय युद्ध का मतलब क्या होता है, स्ट्रगल फॉर जस्टिस, कि हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं। और इन्होंने एक न्यू पार्टी बनाई हुई है चौधरी देवीलाल ने, ठीक है। तो वो इसके लिए, अपनी पार्टी के लिए वो क्या कर रहे हैं, वोटें मांग रहे हैं। उनकी पार्टी का नाम है लोकदल, ये ओपोजिशन पार्टी है। देखो अब ध्यान से समझ लो, कांग्रेस की सरकार है और लोकदल पार्टी ओपोजिशन में है। जो चौधरी देवीलाल है, हिज पार्टी ज्वाइंड अदर इनकी पार्टी ने बाकी ओपोजिशन पार्टीज को ज्वाइन कर लिया और इन्होंने इकट्ठे मिलके कांग्रेस के खिलाफ लड़ने का फैसला किया। अब इलेक्शंस में आप ये देख लो कौन कौन किस तरफ से लड़ रहे हैं। इलेक्शन में एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी तरफ क्या है, कौन सी पार्टी है, लोकदल पार्टी है, प्लस अदर ओपोजिशन पार्टीज है, अदर ओपोजिशन पार्टीज। और ये जो लोकदल है इसका लीडर है देवीलाल, ये इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहा है। इतनी बात समझ आ गई। आगे देखो, इन द इलेक्शन कैंपेन देवीलाल सेड, इलेक्शन कैंपेन में देवीलाल ने कहा कि अगर उनकी पार्टी इलेक्शन जीत गई तो फिर क्या होगा। मैं बताती हूँ, पहले आप मुझे ये बताओ कि ये जो एग्जाम्पल है ये कौन सी ईयर के असेंबली इलेक्शंस की एग्जाम्पल है और कौन सी स्टेट की। इन विच स्टेट एंड विच ईयर द असेंबली इलेक्शंस आर गोइंग टू बी हेल्ड इन दिस एग्जाम्पल। इस क्वेश्चन का आंसर मार्क करो। कहते गवर्नमेंट वुड वेव लोन्स ऑफ फार्मर्स, उन्होंने क्या बोला है, कहते भी सरकार हम फार्मर्स के लोन माफ़ कर देंगे इस बारी, ठीक है, और जो स्मॉल बिजनेसमैन है उनके लोन माफ़। अब वादा सुन लो आप, वादा क्या करें पार्टी ने कि हम, अच्छा अगला क्वेश्चन का आंसर भी दे दो। अगला क्वेश्चन है कि लोकदल पार्टी के लीडर का क्या नाम है, ठीक है। तो वादा क्या करा है उन्होंने, वादा करा है कि हम किसानों के लोन माफ़ कर देंगे एंड स्मॉल बिजनेसमैन के लोन माफ़ कर देंगे। उन्होंने प्रॉमिस करा कि जब भी वो पहली बार इलेक्शन होंगे सरकार बदलने के बाद,
तो वो तभी प्रॉमिस किया कि हमारा फर्स्ट एक्शन ही ये होगा, जैसे ही सरकार चेंज होगी हमारा पहला एक्शन ये होगा कि हम क्या कर देंगे, हम लोन माफ कर देंगे। ठीक है, पीपल वर अनहैप्पी विद द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट। अब ये तो हमेशा ही हुआ है, लोग कभी भी जो सरकार चल रही होती है उसके साथ खुश थोड़ी होते हैं। कांग्रेस का रूल चल रहा था, कांग्रेस से लोग खुश नहीं थे, तो वो उनको देवीलाल के प्रॉमिस ने अट्रैक्ट कर लिया लोगों को। लोग कहते बड़ी वाह, बड़ी मौजें हो जाएंगी अगर सारे लोन माफ हो गए। तो इस जब इलेक्शंस हुए उन्होंने किसको वोट दे दी, लोकदल की फेवर में और उसके अलाइज के फेवर में वोट दे दी। अलाइज का मतलब होता है वो पार्टियां जो लोकदल के साथ हैं जुड़ी हुई है। ठीक है, लोकदल पार्टी और उसके जो पार्टनर्स हैं उनको 76 एमएलए आ गए उनके आउट ऑफ 90। टोटल सीटें 90 थी, 76 एमएलए आ गए जिस पार्टी के, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट उसी की बनेगी, ये तो अंडरस्टूड ही है। अच्छा मेरे को ये बता दो अब जल्दी जल्दी कि उस टाइम में जब इलेक्शन हुए हरियाणा में, तब एक्चुअल में किस गवर्नमेंट, किस पार्टी की गवर्नमेंट काम कर रही थी, ये क्वेश्चन का आंसर दे दो। जब हरियाणा में इलेक्शन हुए तो इलेक्शंस के टाइम किस पार्टी की गवर्नमेंट काम कर रही थी। ठीक है, अब नेक्स्ट सुनो। तो लोकदल कल्ले को ही अगर वो अपनी उसकी बात ना भी करे जो उसने अदर पार्टीज को साथ में मिलाया था, कल्ले लोकदल को ही 60 सीटें आ गई, तो बाकी उसके जो अलाइज थे उनको 16 सीटें आ गई। 16 60 प्लस 16 76 टोटल सीट जीत गए ये लोकदल वाले। और कांग्रेस को पता कितनी आई, ओनली 5। आप यहाँ पे ना ये देखो, अगर कांग्रेस की 5 साल पहले सरकार बनी है तो उसने भी तो 90 में से 45 सीटें ली होंगी सरकार बनाने के लिए। सॉरी 60 है, 31 सीटें तो उसको आई होंगी ना कम से कम, तभी गवर्नमेंट बनी होगी उसकी। हाफ से ज्यादा चाहिए होती है, 60/2 + 1 ये टारगेट होता है गवर्नमेंट बनाने के लिए। तो 31 सीटें तो उसे आई थी कांग्रेस को, अब लोगों का मन देखो कैसे बदल गया, 5 सीटें आई सिर्फ इस बार। वंस द इलेक्शन रिजल्ट वर अनाउंस, जैसे ही इलेक्शन का रिजल्ट आ गया, सीटिंग चीफ मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया, जो कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर था उसने। अब ये चीज़ एक चेक करो, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे नई चीज़ आई है। वैसे चैप्टर तो आपने पढ़ा ही हुआ है, अब नई चीज़ें सीख लो। कि जब तक इलेक्शन रिजल्ट ना आ गया, जब तक इलेक्शन हो ही गए, इलेक्शन रिजल्ट आए, टिल डेट कांग्रेस का सीएम सीएम रहेगा, ये बात समझ लो। अभी चरणजीत सिंह चन्नी है, चाहे 20 फरवरी को इलेक्शन हो जाए, वो पंजाब का सीएम रहेगा उस तारीख तक जब तक इलेक्शन रिजल्ट नहीं आता और न्यू न्यू सीएम अनाउंस नहीं होता। जिस दिन वो नया सीएम सीएमशिप की शपथ लेगा उस दिन पंजाब का पुराना सीएम जाएगा, एक भी दिन सीएम की ऐसे कुर्सी खाली नहीं करेंगे वो, समझ गए। तो कहते न्यूली जो इलेक्टेड मेंबर्स थे लेजिस्लेटिव असेंबली के, जो नए एमएलए थे, वो सारे लोकदल की पार्टी के हो गए, और ऑब्वियसली उनका लीडर देवीलाल था, उन्होंने देवीलाल को अपना लीडर चुना, और जो देवीलाल था उसे गवर्नर ने बुलाया और न्यू चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया। अच्छा आप क्वेश्चन का आंसर दो, कांग्रेस को नेक्स्ट इलेक्शंस जो हुए उसमें कितनी सीटें मिली, कांग्रेस को नेक्स्ट इलेक्शंस में कितनी सीटें मिली, इसका आंसर करो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो कि अब न्यू सीएम बन गया देवीलाल। कहते 3 डेज आफ्टर द रिजल्ट, जैसे ही जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था इलेक्शंस का, 3 दिन के बाद ही, 3 डेज आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट वॉज डिक्लेयर, वो चीफ मिनिस्टर बन गया। जैसे ही वो चीफ मिनिस्टर बने देवीलाल, हिज गवर्नमेंट इशूड अ गवर्नमेंट ऑर्डर। तो उनकी गवर्नमेंट, जिस उनको पता था कि हमें वोटिंग क्यों पड़ी है, तो उनकी गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इशू किया कि वो वेविंग कर रहे हैं, माफ़ कर रहे हैं पुराने लोन्स को, जो स्मॉल फार्मर्स को दिए थे, या फिर एग्रीकल्चरल लेबरर्स को जो लोन दिए थे, या फिर स्मॉल बिजनेसमैन को, उन सबके लोन माफ़ किए जा रहे हैं। उसके बाद पार्टी ने 4 साल रूल किया, फिर नेक्स्ट इलेक्शन 1991 में हो गए। अब ध्यान से सुन लो, ये नहीं है, अब इस बारी फिर उनकी पार्टी को पॉपुलर सपोर्ट वैसा नहीं मिला जैसा यहाँ मिला था। यहाँ तो 76 लिए बैठे हैं, तो यहाँ कोई नहीं उसने पॉपुलर सपोर्ट मिला। लोगों ने कांग्रेस को फिर से जिता दिया, जिसको 5 सीटें ही मिली थी, कांग्रेस फिर से इलेक्शन जीत गई, और इस तरह से अगेन नेक्स्ट गवर्नमेंट फिर कांग्रेस की बन गई। देखो पिछले इलेक्शन में 5 सीटें, उसके अगले में फिर कांग्रेस की सरकार बन गई। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन का आंसर दो कि चौधरी देवीलाल ने किस किस के लोन माफ कर दिए, और मुझे ये चेक करने दो कि किस बच्चे ने कोई आंसर नहीं दिया अभी तक। हाँ जी, रविंदर ने, जानवी, लपित, गुरजशन, स्वर्ण, युवराज, अभिषेक, जसप्रीत, दमन, गौतम, हरलीन, हरवीर, हिमांशु एंड मनवीर, समृद्धि,
एंड संयम, प्रवीर, रमनदीप, शब्दमीत। आपने कोई आंसर नहीं दिया, मुझे इसका जवाब बताओ। किसी भी क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं दिया अभी तक? बाकी सारे बच्चों ने आंसर दिए हैं, मैं आंसर चेक भी करती हूँ, 2 मिनट वेट करो, लेट मी चेंज द स्क्रीन फर्स्ट। हाँ जी, 1 मिनट बेटा, मैं माइक ऑन करती हूँ आपका, 1 मिनट। हाँ जी बच्चों, देखो नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाई डू वी नीड इलेक्शन, कि हम लोगों को इलेक्शन की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है, देखो हमने इलेक्शन कराने ही क्यों है। कहते हैं इलेक्शंस जो होते हैं टेक प्लेस रेगुलरली इन एनी डेमोक्रेसी, किसी भी डेमोक्रेसी में कुछ टाइम पीरियड के बाद इलेक्शन होते ही होते हैं। क्यों होते हैं? कहते हैं देयर आर मोर देन 100 कंट्रीज, 100 से ज़्यादा देश हैं वर्ल्ड में जहाँ पे इलेक्शंस होते हैं। लोगों इलेक्शंस के जरिए अपने लीडर्स को, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं। तो हमने यहाँ पे ये पढ़ना है कि हमने ये भी पढ़ा ही हुआ है कि इलेक्शंस वहाँ उन देशों में भी होते हैं जो डेमोक्रेटिक नहीं होते, बट इलेक्शंस होते हैं, वाई सो? आंसर है, कहते हम चलो एक ऐसी सिचुएशन इमेजिन कर लेते हैं डेमोक्रेसी हो पर इलेक्शन ना हो। क्वेश्चन यही है ना कि इलेक्शन कराने ही क्यों है। तो चलो ऐसी एक सिचुएशन इमेजिन कर लो कि डेमोक्रेसी तो है पर इलेक्शन नहीं है। अगर ऐसा होगा तो अ रूल ऑफ पीपल्स इज पॉसिबल विदाउट एन इलेक्शन। अगर हमने लोगों का रूल लागू करना है पर इलेक्शन नहीं करवाने, तो इसका मतलब ये है कि सारे लोग एक जगह पे इकट्ठे होके बैठे, इंडिया की जितनी आबादी है, जितनी इंडिया की पॉपुलेशन है, सारी एक जगह पे इकट्ठे होके बैठे, हर रोज बैठे और हर रोज के डिसीजन लें, पॉसिबल है? पॉसिबल है कि नहीं, आंसर करो। इंडिया की पूरी पॉपुलेशन एक बड़ा सारा ग्राउंड हो, वहां जाके बैठे और हर रोज के डिसीजन ले, तो ये चीज हो सकती है डेमोक्रेसी बिना इलेक्शन के, ठीक है? पर ये तो इतना पॉसिबल ही नहीं है, इतनी लार्ज कम्युनिटी में पॉसिबल ही नहीं है। और ये भी पॉसिबल नहीं कि हर कोई हर रोज जाए, ना हर किसी के पास टाइम, और सपोज करो टाइम भी है तो नॉलेज नहीं है डिसीजन लेने की, हर किसी को पता ही नहीं है कि कैसे डिसीजन लेने किन मैटर्स पे। इस करके डेमोक्रेसी में ये जरूरी हो जाता है कि लोग जो हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करें, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव इकट्ठे बैठ जाए यही बहुत है, सारी सारी इंडिया की पॉपुलेशन तो कैसे इकट्ठा बैठेगी, समझ गए? कहते इफ देयर आर डेमोक्रेटिक वे, अगर कोई डेमोक्रेटिक तरीका हो सिलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव विदाउट इलेक्शन, कहते कोई ऐसा डेमोक्रेटिक तरीका हो सकता है जिसमें हमने अपने अब यहाँ से पहले पहले से ये तो समझ आ गया भी हमें अपना लीडर चुनना पड़ेगा, पर कहते क्या लीडर चुनने का एक ही तरीका है इलेक्शन? कोई और तरीका नहीं है लीडर चुनने का? रिप्रेजेंटेटिव ही चुनने हैं, किसी और तरीके से चुन लो। कहते चलो हम ये सोच लेते हैं कि हम ना अपना रिप्रेजेंटेटिव एज या एक्सपीरियंस के बेस पे चूज कर लेंगे। जैसे ब्रिटेन वाले लोग हैं, वो अपने आप देख ले जो सबसे ज्यादा एज वाला बंदा है या जो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस वाला बंदा है उसे भेज ले एज रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है? हम ये सोच ले अगर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, या फिर एजुकेशन के बेस पे कि पेपर हो, जैसे एमएलए के पेपर हैं जी, एमपी के पेपर हैं जी, पेपर क्लियर करे जो बंदा जिसके पास नॉलेज ज़्यादा हो, जिसके पास एजुकेशन ज़्यादा हो, वो रिप्रेजेंटेटिव चूज हो जी। क्यों जरूरी है कि वही रिप्रेजेंटेटिव चूज करना है इलेक्शंस के तरीके से? 3 तरीके हो सकते हैं, और एक तो एज, किसकी एज ज़्यादा है उसे चुन लो, या फिर जिसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है उसे चुन लो अपना रिप्रेजेंटेटिव, या फिर एजुकेशन देख लो, एजुकेशन किसकी ज्यादा उसे चुन लो। ये तीनों तरीके भी तो यूज किए जा सकते हैं, क्यों जरूरी है अभी हम इलेक्शन ही कराएं? इसका आंसर मैं बताने वाली आप, ठीक है? आप में से कोई बता सकता है इसका आंसर मुझे माइक ऑन करके? एनीवन, एनीवन कैन रेज योर हैंड। 3 तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, तीनों तरीके यूज हो सकते हैं, इन तीनों तरीकों से हमारे रिप्रेजेंटेटिव चूज किए जा सकते हैं, फिर हम इलेक्शन ही क्यों करवाते हैं? एनीवन, हाँ जी, एनी वन रेज योर हैंड, नो वन, आई एम वेटिंग। चलो तो कहते हैं बट लेट अस से द पीपल कैन रिजॉल्व दिस डिफिकल्ट, देयर कुड बी सम डिफिकल्टीज इन डिसाइडिंग ऑन हु इज मोर एक्सपीरियंस्ड और नॉलेजेबल। सबसे, हाँ जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये कैसे पता चलेगा किसका एक्सपीरियंस ज्यादा है, किसकी नॉलेज ज्यादा है? अब सेम एज वाले तो 50 लोग मिल जाएंगे, उनका एक्सपीरियंस भी वो कहेंगे हमारा है, ठीक है? तो बट लेट अस से द पीपल कैन रिजॉल्व दिस डिफिकल्टीज क्लियरली, सच अ प्लेस डज नॉट रिक्वायर इलेक्शन। कहते अगर लोग ये डिफिकल्टी सॉल्व कर लेंगे फिर तो चलो ठीक है, फिर उन्हें इलेक्शन की जरूरत नहीं है। चलो ये भी मान लिया कि चलो बंदे ने ये भी डिसाइड कर लिया भी ये वाला बंदा हमारे एरिया में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंसड है, सबसे ज़्यादा एज्ड है,
पर क्या वो डेमोक्रेसी हुई फिर? क्या वो डेमोक्रेसी हुई अगर हमने, चलो ये भी डिसाइड कर लिया कि लोगों ने ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर ली, एज और एक्सपीरियंस भी देख लिया, क्या फिर डेमोक्रेसी हुई? नो, क्योंकि डेमोक्रेसी में तो लोगों की चॉइस पूछनी थी। क्या जरूरी है कि वो लोगों को पसंद ही हो वो इंसान? हम ये कैसे इंश्योर करेंगे कि जो हमने सबसे एज वाला या एक्सपीरियंस वाला या एजुकेशन वाला बंदा चुना है वो लोगों की चॉइस का है? हम ये कैसे श्योर करेंगे कि दैट दोज हु द पीपल डोंट लाइक डू नॉट रिमेन देयर रिप्रेजेंटेटिव? हाउ टू मेक श्योर दैट दोज पीपल हु द पीपल डोंट लाइक टू नॉट रिमेन देयर रिप्रेजेंटेटिव? कि लोगों को जो पसंद नहीं है लोगों ने नकार सके भी, ये हमें पसंद नहीं है इसे हमने अपना लीडर नहीं बनाना। दिस रिक्वायर अ मैकेनिज्म बाई विच पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव एट रेगुलर इंटरवल्स। इसलिए ज़रूरी है, हमने दो चीज़ें और भी तो देखनी है कि वो बंदा लोगों को पसंद हो और जो लोगों को पसंद नहीं है लोग उसे नकार सके। इसके लिए रेगुलर इलेक्शंस ही करवाने पड़ेंगे, रेगुलर इंटरवल्स पे इलेक्शंस ही करवाने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस मैकेनिज्म को हम इलेक्शंस ही कहते हैं। इसीलिए इलेक्शंस असेंशियल हैं डेमोक्रेसी में, इसलिए जो इलेक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। क्योंकि ज़्यादा अगर एज वाला बंदा ले लिया, ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला ले लिया या ज़्यादा पढ़ा लिखा ले लिया, फिर वो क्या, ये कैसे मानेंगे हम कि लोगों को वो पसंद हो? लोग उसे अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहिए, क्यों ज़रूरी होगा? इसीलिए इलेक्शंस में वोटर्स मेक मैनी चॉइसेस। कल इलेक्शन, कल इलेक्शन नहीं होते, लोग ये देखते हैं, ये बताते हैं लीडर को चुन के कि ये हमारे बनाई, लोग ये बताते हैं कि ये लोग गवर्नमेंट बनाई और मेजर डिसीजन ली। हम ये बताते हैं कि हमें कौन सी पार्टी पसंद है भाई जो हमारे लिए लॉज बनाए। तो हम सिर्फ लीडर को वोट नहीं डालते, हम कई चीज़ों को वोट डालते हैं। हाँ जी, टुडे हम वी विल डू अप टू दिस टॉपिक, रिवाइज द टॉपिक प्रॉपरली। बाय टू ऑल।